जय हो दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन के विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर और विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए HPPSC के लिए और साथ में SSC GD के बच्चों के लिए खास करंट अफेयर की क्लास। तो सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास देख लेते हैं, करंट अफेयर में क्या क्या है आपके लिए खास। तो सब पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय भू विज्ञान डाटा डिपॉजिटरी किसने लॉन्च किया? भू विज्ञान डाटा डिपॉजिटरी किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस हैं, प्रहलाद जोशी, पूनम खित्रपाल, महेंद्रेश्वर दयाल और अमित शाह। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि क्या आंसर होगा इसका। तो ABCD चार ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रहलाद जोशी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? आंसर याद रखिएगा, नितिन पांडे, संजीव सन्याल, अनुराग ठाकुर या सुकृता पाल। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सुकृता पॉल जो है डी ऑप्शन, जिन्होंने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति आमंत्रित किया जा रहा है, किनको बुलाया जा रहा है? आपको अगर याद है तो इसका आंसर दीजिए, 2024 का जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें किस देश का जो है राष्ट्रपति जो है वो भारत आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, अमेरिका के, जापान के, फ्रांस के या रूस के? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो गणतंत्र दिवस पर जो है समारोह पर जो है वो विशेष अतिथि के रूप में जो है भारत आएंगे। अगला सवाल, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थिरम परियोजना शुरू की गई है? शुचित्वा थिरम महाराष्ट्र, कोचिकोड या असम, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोचिकोड। कोचिकोड जो है जिला, उनके द्वारा जो है ये शुरू की गई है। हाल ही में किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो हेमचंद्र रवि कुमार, पूनम खेत्रपाल, महेश्वर दयाल या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप अपना आंसर सोच सकते हैं। वैसे इसका आंसर है ए ऑप्शन, हेमचंद्रन रवि कुमार। अगला सवाल, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? पहली चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में कौन बनी है जो गई है? कंचना कुमारी, गीतिका कौल, ए बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है गीतिका कौल, बी ऑप्शन, गीतिका कौल जो है वो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला है, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ यानी कि फेसबुक के साथ समझौता किया है? कर्नाटक, असम, झारखंड या तमिलनाडु? डिजिटल जागरूकता के लिए कौन सी राज्य सरकार ने जो है मेटा के साथ जो है समझौता किया है मेटा? तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कर्नाटक, ए ऑप्शन, कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, हाल ही में विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है, कौन सा प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है विकलांग बच्चों के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए?
नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी द्वारा जो है विकलांग बच्चों पर के लिए नजर रखने के लिए जो है नया प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्च किया गया है। याद रखने वाला सवाल। अगला सवाल, हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है, किसे नामित किया गया है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर? नीरज चोपड़ा, लियोनेल मेसी या प्रथम मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों लियोन मेसी जो है वो इसका सही आंसर है, जो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से जो है वो नवाजा गया है, नामित किया गया है। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारत कौन बनी है? फी इंडियन ऑपरेटर, यानी कि किसने ऑपरेट किया है? अक्षता, कृष्णमूर्ति, पूनम कुमारी, कंचन मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। आपके अध्यक्ष जो हैं, यानी कि इसके जो ऑपरेटर है वो कौन रहे हैं रोवर के चंद्रमा पर? तो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णमूर्ति। कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ये थे हमारे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो में बने रहे आप हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।